राजधानी में तीन जगह पर चोरी करने वाले ओडिशा के दो शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कैश और जेवरात बरामद कर लिया गया है। आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी संतोष सिंह ने रविवार को इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चोरी की लगातार घटनाओं के बाद एसीसीयू की स्पेशल टीम बनाई गई, जिन्होंने राजधानी के देवेंद्र नगर समेत तीन जगहों पर चोरी करने वाले ओडिशा के दो शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी ने बताया कि आरोपियों ने दो सोने मकान में हीरा, सोने के जेवरात के साथ विदेशी मुद्रा की भी चोरी की थी। छुपाने के लिए अपने घर में सुरंग बनाई थी। सुरंग के भीतर ही 30 से ज्यादा का जेवरात कैश बरामद किया गया। आईजी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, 1 अप्रैल को ओडिशा से आए बलंगीर निवासी सुनील सोना उर्फ बिलवा और लक्ष्मण छोरा उर्फ कालिया शातिर चोर है। दोनों चोरी के एक दर्जन मामले में जेल जा चुके हैं। दोनों 1 अप्रैल को ट्रेन से रायपुर आए, दूसरे दिन रामनगर में बाइक चोरी की, उसी बाइक से रेकी करने लगे। 12 अप्रैल को देवेंद्र नगर में कारोबारी अजीत मिश्रा के घर 10 लाख से ज्यादा का जेवर व कैश चोरी किया। 21 अप्रैल को कारोबारी बजरंग करनानी के सोने मकान में 20 लाख से ज्यादा की चोरी की। वहां से हीरा, सोना, चांदी के जेवर के साथ विदेशी मुद्रा पाउंड, डॉलर और थाई साथ ले गए। 8 संपत्ति संबंधी अपराध है, जिसमें से 1 लूट है और 7 चोरी है। इसमें 2 अंतर्राज्यीय गैंग है, 1 गैंग उड़ीसा का है और 1 गैंग मध्य प्रदेश का है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि करीब 60 लाख का मशरूम का जब्त किया गया है। टोटल चोरी की जो क्वांटिटी थी, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व अराउंड 68 लाख की, 67-68 लाख, तो अराउंड 85% रिकवरी है, जो कि बहुत अच्छी रिकवरी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच के टीम के द्वारा अथक परिश्रम किया गया ओवर द लास्ट वीक, जिसके बाद ये सफलता मिली है। और मैं पुलिस महानिरीक्षक का अधिकार क्षेत्र, 20,000 प्रति प्रकरण की जो इनाम राशि होती है, 40,000 रुपए टीम को स्वीकृत किया हूँ। इन दो बड़ी न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।